हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आई एम रविंद्र कोतवाल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को कैसे हमने इंटरप्रेट करना है, जिसे हम शॉर्ट में डीआई कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बेसिक आप सब लोगों को आता होगा। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको ये कहूं कि हमारे पास चार बातें होती है, चार चीजें हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, चार तरीके से हमें एग्जाम में करने को मिलता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है सर लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ क्या होता है? ये एक्स एक्सिस पे एक चीज दी होगी, वाई एक्सिस पे दूसरी चीज दी होगी, बीच में कुछ समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट इस तरह की कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, दिस इज लाइन ग्राफ। ओके, उसके बाद दूसरी चीज जो है, दूसरा है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होगा? यही चीज होगी, लेकिन हमारे पास इस तरह कुछ पिलर्स रहेंगे डिफरेंट हाइट्स के एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ए बी सी समथिंग लाइक दिस, और इधर होगा इनका 10, 20, 30, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एक तरफ फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो ये पहले वाली जो फिगर बनी ये क्या है? ये है लाइन ग्राफ और दूसरा जो है बार ग्राफ। बार ग्राफ की आगे और भी काइंड्स होती हैं, वो बताता हूं। उससे पहले तीसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पे आएगी वो आएंगे टेबल। टेबल में क्या होगा? एक टेबल आएगा, उसमें डिफरेंट चीजें इस तरफ दी होंगी, इस तरफ दी होंगी, और उनके बारे में हमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और चौथी चीज होती है हमारे पास पाई डायग्राम या पाई चार्ट। पाई चार्ट जिसे पाई डायग्राम भी बोलते हैं, ये क्या है? एक सर्कल है, सर्कल के बीच डिफरेंट डिग्रीज बताई हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं, डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रॉपरली समझने के लिए और प्रॉपरली करने के लिए हमें दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। परसेंटेज का हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आई होप मैंने एक वीडियो डाला है परसेंटेज पे, तो उसका मैं कोशिश करूंगा, उसका परसेंटेज वाला जो वीडियो है उसका मैं यहाँ पे लिंक डाल दूं इस वीडियो में। एवरेज का भी मैं पढ़ा चुका हूं, रेशो का भी मैं पढ़ा चुका हूं। बाय द वे, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे भी बता देता हूं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। जब हम किसी चीज को, किसी चीज की तुलना, किसी चीज को आउट ऑफ 100 कंपेयर करते हैं ना, तो वी कॉल इट परसेंटेज। एक बच्चे ने 10 मार्क्स में से, 10 मार्क्स का एग्जाम था और 10 में से उसने 9 मार्क्स लिए, तो उसके मार्क्स कितने हो गए? 9 out of 10। लेकिन परसेंटेज में मैंने क्या बोला? 9 मार्क्स लिए आउट ऑफ 10। परसेंटेज में जब हमने इसकी बात करनी होगी तो हम इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाने जाएंगे। डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, दैट मीन्स आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 बनाने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा। सो दिस इज 90/100, वी कॉल इट 90%। सो ओके, 90%, 9/10 मीन्स somebody is getting 90% marks. Okay, so this is percentage का बहुत शॉर्ट में, अदरवाइज ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पर वहां का मैं लिंक डाल दूंगा। उसके बाद एवरेज, एवरेज की बात करें तो एवरेज क्रिकेट जो देखते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, और जिनका मैथ्स पहले से स्ट्रांग है उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जिनके लिए इजी नहीं है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। वो कितनी है? सपोज हमारे 11 खिलाड़ियों ने खेला, किसी ने 15 रन बनाए, किसी ने 25 मारे, एक ने 137 मारे, किसी ने 54 मारे, कोई 0 पे आउट हुआ। एवरेज स्कोर ऑफ ए प्लेयर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी के स्कोर को ऐड, मतलब टोटल स्कोर ऑफ द टीम डिवाइडेड बाय 11, दैट विल बी एवरेज। वाई 11? बिकॉज 11 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड 11 लोगों का हमने वो सम जो है, जो स्कोर था वो सबको ऐड करना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एवरेज।
एवरेज के बाद रेशियो की बात, रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। और रेशियो में, और रेशियो तो आप जानते होंगे, ए बाई बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म में भी लिख लिया। रेशियो में एक बात का ध्यान रखना है, अगर ए इज टू बी पूछा है तो आपको ए इज टू बी ही करना है, और कभी बी इज टू ए पूछा है तो बी इज टू ए ही करना है। मतलब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपके पास बोला है गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो आपका न्यूमरेटर होगा, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो डिनोमिनेटर होगा, जो बाद में है वो डिनोमिनेटर, जो पहले है वो न्यूमिनेटर। ओके, टू से पहले, बीच में टू, फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी, तो टू से पहले ए, ए ऊपर और बी नीचे। ओके सर, उसके बाद एवरेज के बाद हमारा, सॉरी, दिस वाज रेशियो। रेशियो के बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रेंज। रेंज होता है, शॉपिंग करने जाते हैं, कभी कोई आप जींस लेना चाहते हो तो शॉपकीपर आपको पूछेगा आपका रेंज क्या है, कहां से कहां तक लेना चाहते हो। ये होगी लेमन लैंग्वेज। और हमारी भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में, रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर ग्राफ, ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा। किसी भी डेटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। ओके सर, ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। जिनको ये इसमें कमी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, अगर मेरे वीडियोस नहीं मिलेंगे तो मैं दोबारा इन चारों का वीडियो अलग से, इन चारों पे कुछ सम्स करके बना सकता हूं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है अगर आप मांगोगे तो। तो सबसे पहले हम ग्राफ की, लाइन ग्राफ की बात करें, तो लाइन ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे दिया है ईयर्स 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, और ऊपर वाई एक्सिस पे दिया हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर नीचे ईयर्स लिखा है, तो मतलब ये ईयर्स, वैसे भी 2011, 12, 13, 14 से हम समझ रहे हैं कि ईयर्स हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे लिखा है इनकम इन थाउजेंड्स। सो मतलब दिस इज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ओके सर, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट देखो, एक बात कही थी मैंने कि एक क्वेश्चन, एक ग्राफ आ गया, एक चीज आ गई तो चार पांच क्वेश्चन, मिनिमम पांच क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सात भी आ सकते हैं एक ही चीज में से। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ की रेंज फाइंड कीजिए। रेंज के लिए मैंने आपको कहा था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो आप ये भी देख सकते हो 2015 मैक्सिमम ईयर है, 2011 मिनिमम ईयर है, ये साल की बात हो रही है। इनकम मेन जो चीज आ रही है, फ्रीक्वेंसी वाली चीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रेंज। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां तक गया है, यहां पे कितना लिखा है 60, इस बात पे नहीं जाना है, ग्राफ पे हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट को देखना है। तो बाय चांस ये पॉइंट 60 के सामने ही है, वो 60 है, सो रेंज हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू एमवी माइनस मिनिमम वैल्यू, वो भी एमवी हो जाएगा। सो 60 माइनस मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा डॉट सबसे नजदीक ये दिख रहा है, और आई होप ये 10 के सामने है, कहां है 10 के सामने। सो 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 50, रेंज इज 50, व्हाट 50, 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, और हमारा यूनिट क्या है, थाउजेंड्स में है। सो हमारा आंसर हो गया 50,000 रुपीज इज आंसर। सो रेंज ऑफ द ग्राफ इज 50,000, क्लियर। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ऑल ईयर्स, सभी सालों का मीन सभी ईयर्स का, दूसरे सालों का नहीं है, सभी ईयर्स का एवरेज फाइंड कीजिए। तो एवरेज क्या होगा, सभी ईयर्स का आप ऐड कर लो एवरेज, यू नो आई टोल्ड यू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर। सो 11 में कितना है 20, 12 में कितना है 40, 13 में कितना है
60, 14 में कितना है 50, एंड 15 में 10, एड इट अपन 1, 2, 3, 4, 5, 5 इयर्स का तो डिवाइडेड बाय 5, तो दिस इज 100, 50, 180 अपॉन 5, 5, 3 are 15, 5, 6 are 36 units. 36 unit mean 36,000 rupees. So 36,000 rupees is the answer for this question. Find the average income. So average income kya hogi? Average income will be, it will be 36,000. Okay sir. तो आपके दो क्वेश्चन हो गए सर एक ही जगह से. उसके आगे आपको पूछा होगा थर्ड क्वेश्चन, विच इयर्स हैव इनकम मोर देन एवरेज. एवरेज से ज्यादा कितने महीनों की इनकम है, एवरेज से ज्यादा कितने महीनों की इनकम है, कितनी एवरेज आई हमारे पास 36,000. अब 36,000 से आपने देखना उससे ज्यादा कितना है. ये सर 36 हमारा इस एरिया में होगा कहीं, तो इससे ऊपर क्या क्या है हमारे पास, ये 40, 60 और 50, 2012, 13 और 14 का 3 years, 3 साल का इनकम जो है एवरेज इनकम से ज्यादा है. ओके, अगर इसका उल्टा ऐसा पूछा होता विच इयर्स हैव विच इयर्स बोला है यहाँ पे, तो विच ईयर आपने इयर्स के नाम बोलने हैं कौन कौन से, 3 years कौन कौन से, 2012, 13 और 14, ये 3 साल है जिनकी इनकम एवरेज से ज्यादा है. और अगर पूछा हो विच 3 years हैव या विच इयर्स हाउ मेनी इयर्स हैव इनकम लेस देन एवरेज, तो एवरेज से नीचे आना, फिर 36 से नीचे 1, 2, 2 years है जिनकी एवरेज जिनकी इनकम जो है एवरेज इनकम से कम है. कौन कौन से इयर्स हैं, 2011 और 2015. ओके सर, कितने क्वेश्चन बने, चौथा क्वेश्चन बोला मैंने, एक्सप्लेन किया, यहां रिटन में नहीं बताया. आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये जैसे ऊपर का था वैसे नीचे के लिए, अबव द एवरेज सिमिलरली बिलो द एवरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, व्हाट इज द रेशियो. अब देखो मैंने एवरेज की बात कही थी, एवरेज इसमें आ गया, अभी रेशियो की बात कर रहे हैं हम, रेशियो बिटवीन 2012 एंड 2014 इनकम्स, या इनकम ऑफ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ, बिटवीन द इनकम ऑफ, इनकम यहां पे लिखवा जाएगा, इनकम ऑफ 2012 एंड 2014, 2012 और 2014 की इनकम का रेशियो क्या है. तो पहले आप 2012 की इनकम लेंगे, 2012 की इनकम कितनी है, 40,000 लिखने की जरूरत नहीं है. अपन 2014 की कितनी है, दिस इज 11, 12, 13, 14, 15. सो पहले लिखा हमने 12 की 40, 14 की 50, 1000 वो भी थाउजेंड्स में है, ये भी थाउजेंड्स में, वो जीरो ऑलरेडी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हुए, 4 upon 5, दिस इज द रेशियो विच इज रिटन एज 4:5. द रेशियो ऑफ 2012 इज टू 2014 इज 4:5. सो समझे सर. तो देखिए आपने एक छोटी से क्वेश्चन में से, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में से 4-5 क्वेश्चन बन गए. दिस वॉज द इजिएस्ट वन. अभी हम इजी से अपने लेवल को टफ की तरफ, डिफिकल्ट की तरफ चलते जाएंगे. आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को. ओके, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल के लिए नए लोग हैं आप तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और फायदा उठाएं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो. क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं सर. क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा, बार ग्राफ पे. पहला था लाइन ग्राफ,
अभी बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, ये डिफरेंट पिलर्स बना के मैंने पहले भी बताए थे। यहां पे हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस पे है ये व्हीकल्स दी है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। व्हीकल्स, पहली व्हीकल कार, दूसरी बस, देन ऑटो, ट्रेन एंड साइकिल, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, किसी पार्टिकुलर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं या किसी पार्टिकुलर सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो कार से जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ बस से जाते हैं, कुछ ऑटो से जाते हैं, कुछ ट्रेन से और कुछ साइकिल से। अच्छी जगह है, पैदल कोई भी नहीं जाता है। चलो ये दूसरी बात है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है। लेकिन यहां पे एक बात लिखी है सर, वो बात ये लिखी है कि स्टूडेंट्स वन यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, एक यूनिट ऊपर 100 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, तो मतलब 10 यूनिट कितने को शो कर रहे होंगे, 1000 को। जहां हमने 10 लिखा है दैट विल बी 1000, माइंड इट, इस बात को याद रखिएगा। आपके लिए मैं इसको रेड पेन से राउंड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट। ये यूनिट यहां पे कहीं साइड में दिया रह सकता है आपको, या ऐसे ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन के साथ लिखा हो सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, कुल मिला के इस सिटी में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं इस सिटी में। तो देखिए सर, अपने पास 20 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 50, तो 50 और ये 50, 100 और 140, 240 सर, 240, 100 के दो जीरो, तो 24,000 स्टूडेंट्स आर देयर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 24,000, क्यों, 240 हमारा ये ऐड करके आ रहा है, दो जीरो लगेंगे क्योंकि 100 के मल्टीपल है। ये बात क्लियर हुई सर। सो ऑप्शन, वहां पे जो चार ऑप्शन होंगे उनमें एक 240 लिखा होगा, एक 24 के साथ दो जीरो होगा, एक 24 के साथ तीन जीरो और एक 24 के साथ चार जीरो। तो बहुत समझदारी से करना होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखते हुए कितना यूनिट, जितना यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करना। पहले क्वेश्चन में भी मैंने इसी तरह का लिया था। और ये अभी जो ये वीडियो जो बन रहा है ये इजियर जो वन है वो ले रहे हैं हम। चार टाइप्स मैंने बताई थी आपको, चारों टाइप्स के इजी क्वेश्चंस इसमें लूंगा मैं। एक बार आपके ये क्लियर हो जाएंगे फिर हम हायर लेवल पे भी जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया सर आपका, 24,000 स्टूडेंट्स आर देयर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है आपको रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू द स्कूल बाय कार टू दैट ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग बाय साइकिल। कार और साइकिल वालों का रेशियो बताना है। तो कितना सिंपल है सर रेशियो के लिए आपके पास, आपने कार देखना है 20 इज टू साइकिल 50, वो भी 100 है, ये भी 100 है, वो 100 100 नहीं भी लिखोगे तो वो पहले कैंसिल, ये भी कैंसिल। 2:5 इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बाय कार टू द स्टूडेंट्स गोइंग बाय साइकिल। अगर दो बच्चे कार से जा रहे हैं तो पांच बच्चे साइकिल से जा रहे हैं। ओके सर, इज इट क्लियर। उसके बाद तीसरे पार्ट पूछा आपको, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज बस, कितने प्रतिशत भारतीय, नॉट भारतीय, कितने प्रतिशत आदमी, सॉरी नॉट आदमी, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी तालब इलम, ये जो तुलबा हैं, ये जो विद्यार्थी हैं, इनमें से कितने परसेंट जो हैं बस में जाते हैं। बस में कितने जाते हैं सर, 60, कितने में से सर, 240 में से। परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इनटू 100, ये जीरो कैंसिल सर, 6 1s are 6 4s are 4 1s are 4 25s are, सो 25% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स गो बाई बस। तमाम जो विद्यार्थी हैं, तमाम जो तुलबा हैं, उनके 25% जो तुलबा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकते हैं इसी से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं आपको रेशियो ऑफ कार एंड बस
ऑटो एंड ट्रेन या ओनली ट्रेन, कैसे भी। तो अगर दो दो चीजें एक साथ पूछी है तो ये रेशियो कैसे बनेगा सर? कार कितना था 20 प्लस बस में कितने जा रहे हैं 60, अपन ऑटो से कितने जा रहे हैं 30 प्लस ट्रेन से 80, तो ये हो गया 80 अपन 110, 8:11। अगर खाली यहां ऑटो नहीं लिखा होता, ट्रेन लिखा होता, तो आप 20 प्लस 60 अपन 80 ऑनली ट्रेन, तो 80 अपन 80 हो जाता 1:1 ऐसा, ठीक है। तो इस तरह कितने भी क्वेश्चन वो घुमा फिरा के कर सकते हैं, लेकिन माइंड इट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, रेंज, ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, बेसिक चीजें हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज द थर्ड टाइप, जो तीसरी प्रकार थी वो, ये जो टेबल का मैंने बोला था, इस टेबल में क्या दिया है, एक तरफ विलेजेस दिए हैं, देर आर फोर विलेजेस, विलेजेस बी क्यू आर एंड एस, चार गांव दिए हैं, और चार गांव में पाए जाने वाले फ्रूट्स के ट्रीज, एप्पल ट्रीज, वॉलनट ट्रीज, पेयर्स, नाशपति एंड एप्रिकॉट, खुबानी। तो ये चार तरह के हमारे पास पेड़ दिए हैं, और ये एज्यूम करना सर, इस बात का ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, के क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ वो, कोई भी पी क्यू आर आर एस, ये पार्टिकुलर विलेज का नाम लिखा हो, सपोज पी कश्मीर के लिए लिखा हो, क्यू अनंतनाग लिखा हो, आर किश्तवाड़ लिखा हो, एस जम्मू लिखा हो, इस तरह नाम लिखे हो, तो ऐसा नहीं आपने कहना कि नहीं भाई जम्मू में तो एप्पल होते ही नहीं, ये गलत लिखा है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जो दी है वो लॉजिकल है या नहीं है, दैट विल बी द फाइनल इंफॉर्मेशन, आपको जो कैलकुलेशंस करनी है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करनी है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस वक्त अगर आपको पूछेंगे कि पी, सिर्फ जो पी विलेज है उसमें टोटल ट्रीज कितने हैं, तो आप बोलोगे वहां पे सिर्फ एप्रिकॉट, पियर्स, वॉलनट और एप्पल ही है क्या, बाकी ट्रीज नहीं है क्या, तो आपको एज्यूम करना है कि बाकी नहीं है, सिर्फ यही है। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ वी विल कम टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन विलेज पी, विलेज पी में कितने ट्रीज हैं, तो यही बाय चांस मुझसे यही निकला कि अगर यही क्वेश्चन पूछे तो आपने क्या करना है, पी विलेज के सारे ट्रीज को ऐड करना है, 160, 40, 200, 300, 400, 460, 460 ट्रीज आर देयर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, इन विलेज पी देयर आर 460 ट्रीज। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉलनट्स फ्रॉम पी, पी के वॉलनट्स, पी में वॉलनट्स कितने हैं सर, 160:1, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉलनट्स फ्रॉम पी टू पेयर्स फ्रॉम आर, नाशपति आर के 180 के साथ, तो सर पहले ये 0-0 कैंसिल, 16:8:9:8:9 इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। समझे सर, क्लियर, इजी दे रहा हूं, लेकिन अभी क्योंकि बेसिक कर रहे हैं इसलिए इजी, ये आगे चल के इनका लेवल हायर हो जाएगा, हाई होगा, अभी तुम बेस अगर पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए ये इजी लगेगा, तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद हम लेवल को हाई करते जाएंगे, और फिर और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं समझना कि हाई लेवल के ही आते हैं, इस तरह के सम्स भी एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के देते हैं, जैसे मैंने भी कोशिश की है नेक्स्ट वाले में बढ़ाने की, आई होप नहीं बढ़ा। रेशियो ऑफ एप्पल्स इन आर, आर में जो एप्पल्स हैं उनका रेशियो, दैट इज 40:40 को किसके साथ लेना है, टू एप्रिकॉट इन पी, पी की एप्रिकॉट, पी में एप्रिकॉट कितनी है 160, तो ये रेशियो बोला है, 0-0 कैंसिल, 4-1, 4-4, ये 1:4 इसका आंसर, ये भी इजी था। अब आगे और क्या पूछ सकते हैं, तीन क्वेश्चन बना दिए मैंने, चौथे क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्रिकॉट ऑफ ऑल द विलेजेस टू द ऑल ट्रीज, एप्रिकॉट जो है सभी विलेजेस की, चारों गांव की, इनको ऐड करो और टोटल कितने ट्रीज है ओवरऑल, उनसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज।
ओके, तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज कॉल्ड एज पाई डायग्राम या पाई चार्ट, दोनों नाम है इसके। सो पाई चार्ट जो है या पाई डायग्राम जो है, एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर मोस्टली आपको डिग्रीज में दिया होगा, 120 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है और 60 डिग्री। 120 डिग्री अभी यहां क्या है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला एक फैमिली है, देयर इज ए फैमिली हु इज इन्वेस्टिंग इट्स एनुअल फ्यू कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ फ्रॉम इट्स एनुअल इनकम इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनटू शेयर्स, इनटू पोस्ट ऑफिस, इनटू एंड दे डिपॉजिट सम ऑफ इट इन बैंक एंड सम दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो वो किस रेशियो से है, किस तरह से है, 120 डिग्री इमूवेबल प्रॉपर्टी पे यूज कर रहे हैं, 60 डिग्री शेयर्स पे, 30 डिग्री पोस्ट पे, 90 डिग्री दे डिपॉजिट इन बैंक एंड रिमेनिंग 60 डिग्री दे पुट इन म्यूचुअल फंड। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज रुपीज 2000, अगर वो शेयर्स पे कुल मिला के 2000 खर्च कर रहे हैं तो बताइए टोटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने की। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई होती है, इस क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट पहले फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट भी, ये बेसिक तरीका सिखा रहा हूं मैं, टोटल इन्वेस्टमेंट भी एक्स, तो शेयर्स एक्स शेयर्स का बताया है, शेयर्स पे 60 डिग्री है, 60 आउट ऑफ होल, होल कितना होता है 360, 60 आउट ऑफ 360 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2000, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 6 1 6 6, ये 6 उधर जाके एक्स इक्वल टू 2000 इंटू 6 दैट इज 12000 रुपीज, 12000 उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया है। ओके, कितना इन्वेस्ट किया टोटल उन्होंने, 12000, क्लियर हुआ, फर्स्ट आंसर अपना हो गया, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो हो गया। क्वेश्चन टू में पूछा है सर, क्वेश्चन टू में पूछा हाउ मच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट किया, अब देखो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का पता है, हैं? तो बैंक में कितना किया सर टोटल डिपॉजिट उन्होंने, बैंक में दे डिपॉजिटेड 90 डिग्री आउट ऑफ 360 इंटू 12000 था सर, तो ये जीरो जीरो कैंसिल, 9 1 9 4 36 4 1 4 3, तो 3000 रुपीज 3000 उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, क्लियर सर। उसके बाद पूछा हाउ मच मोर इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कितना ज्यादा उन्होंने यूज किया एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, तो ये मैं दो तरीकों से बताऊंगा कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने पास देखो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वो 120 डिग्री कर रहे हैं, तो ये पहले अगर आप अलग से निकालोगे 120 आउट ऑफ 360 इंटू 12000 तो ये कैंसिल, 12 1 12 3 3 1 3 4, तो 4000 दे आर इन्वेस्टिंग, 4000 खर्च कर रहे हैं वो किस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और म्यूचुअल फंड्स पे कितना कर रहे हैं, एमएफ पे वो कर रहे हैं 60 आउट ऑफ 360 इंटू 12000, तो 0 0 कैंसिल, 1 6 6 1 6 2 2000, तो कितना ज्यादा सर 4000 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे खर्चा कर रहे हैं वो 4000 माइनस वो 2000 इक्वल टू 2000, ये 2000 ज्यादा खर्च कर रहे हैं किस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, टाइम लगा, ये टाइम सेव करने के लिए यहां पे ही हम फाइंड कर सकते हैं, 120 इमूवेबल का है, 60 म्यूचुअल फंड का है, इसमें से इसको इधर ही माइनस करो, 120 माइनस 60 60, तो सीधा 60 आउट ऑफ 360 फाइंड कीजिए, ये खाली जो म्यूचुअल फंड का आ रहा है वही डिफरेंस भी आ गया, समझाया ना सर। ओके, और लास्ट पूछा है हाउ मच इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, तो पोस्ट ऑफिस का कितना है 30 डिग्री, सो 30 आउट ऑफ 360 इंटू 12000, तो 0 0 कैंसिल, 1 12 12 1 12 1, सो इट इज रुपीज 1000, 1000 वो साल का
पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चंस बता दिए। सिंपलेस्ट वंस, सिंपल बेसिक सम्स कैसे सॉल्व करना है बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेवल को थोड़ा हायर करूंगा और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और हायर करूंगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट दूंगा। और यकीन कीजिए अगर आपने ये सारा तैयार कर लिया ना तो आपके 5 से 7 के बीच के मार्क्स गारंटेड है, पक्का। अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए वीडियोस, उन लोगों के खास करके उन लोगों के साथ जो गांव में दूर दराज एरिया में रहते हैं उन तक वीडियोस पहुंचाइए। उनको वो लोग जो स्टडीज के लिए, जो कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टाइम की वजह से, मनी प्रॉब्लम और एनी अदर रीजन, तो उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, वो भी अपने घर में बैठे अपनी तैयारी कर सकें, तो आपके लिए सबके लिए अच्छा ही होगा। उन लोगों से दुआएं मिलेंगी, मुझे भी आपको भी। ओके।